रांची में तीसरे वनडे में 32 रन से हारने के बाद अब टीम इंडिया चंडीगढ़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा वनडे मैच मोहाली में खेलेगी। 5 मैचों की वनडे सीरीज में भारत 2-1 से आगे है और आज मैच जीतकर सीरीज को अपने कब्जे में करना चाहेगा। पिछले मुकाबले में मिली हार को देखते हुए कप्तान विराट कोहली आज होने वाले चौथे वनडे की प्लेइंग 11 में कुछ अहम बदलाव कर सकते हैं। रोहित शर्मा और शिखर धवन अब तक इस सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। पिछले मुकाबले में धवन 14 तो वहीं रोहित 1 रन बनाकर क्रीज से चलते बने थे। ऐसे में कप्तान कोहली आज के मैच में किसी एक बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं और उसकी जगह प्लेइंग 11 में केएल राहुल को मौका दे सकते हैं। तो वहीं पिछले दोनों मुकाबलों में शतकीय पारी खेलने वाले कप्तान कोहली की तीसरे नंबर पर जगह पक्की है। इसके साथ ही अंबाती रायडू ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में काफी निराश किया है और सीरीज में खेले गए अब तक 3 वनडे मुकाबलों में सिर्फ 33 रन बनाए हैं, जिससे खतरे की घंटी आज रायडू के सिर पर भी घूम रही है। साथ ही टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी अगले दोनों ही वनडों में टीम का हिस्सा नहीं होंगे और ऐसे में ऋषभ पंत के रूप में दूसरा विकल्प निकलकर सामने आता है, जिसे कप्तान कोहली पंत को अच्छे से परखना चाहेंगे। तो वहीं केदार जाधव ने इस सीरीज में ना सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से ही भी कमाल दिखाया है और जाधव की प्लेइंग 11 में जगह पक्की है। जाधव पंत के बाद छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं। तो वहीं विजय शंकर चौथे वनडे में भी प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। शंकर ना सिर्फ लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को मजबूत करते हैं बल्कि गेंदबाजी आक्रमण में भी परफेक्ट बैठते हैं। तो वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का चौथे वनडे में पत्ता कट सकता है। अब तक खेले गए कुल 3 वनडों में जडेजा ने सिर्फ 1 विकेट लिया है। इसके अलावा बल्लेबाजी में भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। कप्तान कोहली चौथे वनडे में जडेजा की जगह दूसरे स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल को मौका दे सकते हैं। पिछले मुकाबले में सबसे ज्यादा 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज कुलदीप यादव की जगह भी प्लेइंग 11 में पक्की नजर आ रही है। साथ ही पिछले मैच को देखते हुए टीम इंडिया के पेस अटैक में भी बदलाव हो सकता है। ऐसे में कोहली चौथे वनडे में शमी और बुमराह में से किसी एक को बाहर बैठा सकते हैं। शमी और बुमराह में से किसी एक के बाहर होने पर प्लेइंग 11 में भुवनेश्वर कुमार की एंट्री लगभग पक्की लग रही है।